किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे हजार दर्जे बेहतर? और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। इंडियंस आर बेस्ट आई थिंक। बात है, वो काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट। कोई ऐसी चीज बताएं जो इस्लामी कंट्रीज ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है, हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो यहूदों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा हाँ। कि हमारा जो जेन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दी है, ये उन्होंने दे दिया जब 100 साल हुकूमत करके। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ना एक बार फिर से हम पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने वाले हैं, जहां पर पाकिस्तानी पब्लिक से सवाल किया जा रहा है भारत की तरक्की को लेकर, और साथ में सवाल ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान सीखता क्यों नहीं है भारत से, क्योंकि भारत पड़ोसी देश है और पाकिस्तान को सीखना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे। तो पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है मज़ेदार है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कभी ये चीज़ नहीं थी कि जो लाउड स्पीकर पे है वो लाउड स्पीकर हराम है, मोबाइल हराम है, ये चीज़ भी थी? इवन फोटो कॉपी करवाना किसी चीज़ की वो हराम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिर्दो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं, कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। होगी, मैं अगर घड़ी पहनी है ये भी यहाँ की नहीं है, मैंने अगर ये शर्ट पहनी है ये भी यहाँ की नहीं, हाँ। माइक भी यहाँ का नहीं, ये शर्ट आपने खरीदी यहाँ, हाँ। से होगी, लेकिन ये पाकिस्तान की होगी। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, हाँ। कॉटन हो सकती है, लेकिन जो मशीनरी इसको कन्वर्ट करती है ना, वो आप देखें वो इटली से आ रही है, यूएस से आ रही है, वो जिन मसाइल में अपने आप को समझ रहे हैं ना, हमने अपनी बिल्कुल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे असल इश्यूज हैं, मैं यही रोना रोता हूँ, हमारे असल इश्यूज से हमें हटाया गया है, हमें ये नहीं बताया जा रहा कि भाई दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रही है, हमें ये चीज़ें नहीं बताई जा रही। आप थोड़ा सा इस पार्टिसिपेट करें, आप भी यूथ हैं, मुझे ये बताएं क्यों ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हों, हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हों, वो इंटरनेशनल लेवल पर कहीं प्लेटफॉर्म पर जाते हैं वो रिस्पेक्ट नहीं नज़र आती, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है तो हमें वो नज़र नहीं आती। यार सबसे पहली बात तो ये है कि एज अ पाकिस्तानी के कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखी गई है। और दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यार शुरू से ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूँगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पर उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट दिए हैं, और अपने वेलफेयर के लिए उन्होंने जो मतलब इनिशिएटिव लिए हैं जो कि पाकिस्तान नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी बेसिक वजह यही थी कि हमारी खारजा पॉलिसी कोई और कंट्रोल कर रहा था। तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे हजार दर्जे बेहतर है? लेकिन हमें फिर भी आज भी मैं यही कहूंगा यहाँ पाकिस्तान में लाहौर में खड़े होके कि मुझे पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपने नेबर कंट्री से सीखें। आपको इंडिया से मसला है, इंडिया से ना सीखो, ना ही इंडिया वाले शेयर सिखाना चाहते हैं, वो तो इवन नीचे कमेंट्स में कहते हैं कि भाई हमारे साथ कंपेरिजन ना किया। जो बुनियादी चीज़ है वो यही इसी तरह कर लें, आपके जहाँ पे आपको लगे कि आप में मसले मसाइल हैं एक्सेप्ट करें, नंबर वन अपनी गलती को माने, नंबर वन पॉइंट आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि डेवलपमेंट उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने आप को आकड़ खान समझेंगे ना कि भाई अरे वी आर गुड एट दैट, जब ये आप नारा बुलंद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जिस घसे फटे निज़ाम के साथ चल रहे हैं ना उसी के साथ चलते रहेंगे। ब्रिटिश ने आज से कोई 70-75 साल पहले हमें ट्रेन बिछा के दे दी, आपने 1 किलोमीटर और ट्रैक बिछा के अपना दुरुस्त नहीं कर पाए,
तो ये मसले मसाइल हैं भाई। What about India? Indians are best, I think. बात है, काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपने अपने जो खुद मुल्क में चीज़ें बनाते हैं वो यूज़ करते हैं, और अपनी ही जो हर प्लेटफॉर्म पे अपनी बनाई हुई चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है, हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, वहाँ जाना पसंद करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा फुकदान, सबसे बड़ा लैकडाउन यहीं से शुरू होता है। नहीं, किसी कंट्री के साथ बिजनेस करना तो ठीक है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं उठाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्ट्स भी तो बनानी चाहिए ना। यही तो बात है कि अपने प्रोडक्ट्स तो आप लॉन्च ही नहीं करते, कोई एक चीज़ भी आप अच्छी ढंग से अपनी लॉन्च नहीं कर सके। इंडिया इस लिहाज से आगे, क्यों इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है? एक तो वो मेहनत पर बहुत बिलीव करते हैं आई थिंक, और दूसरी बात यही है उनमें और हमें सिर्फ यही फ़र्क है कि वो जो है ना वो भाई वो चांद के उस हिस्से तक पहुंच गए जहां दुनिया में कोई नहीं पहुंच पाया। मुझे पाकिस्तान का एक स्पेस कमीशन बता दे, एक स्पेस कमीशन। हम स्पेस पे चले जाते हैं, हर रोज जाते हैं, बस वो कुछ और पी के भांग पी के जी, नशा करके, और इन चीज़ों में हम जो है ना हमारा जो यंग यूथ है वो इस तरफ जो है ना वो उनका रुझान बहुत ज्यादा है। आपको लगता है कभी स्पेस का मिशन, कभी कोई रॉकेट, कभी कोई सैटेलाइट, कभी कोई चांद का मिशन, कभी कोई स्पेस टूर, हमें किसी पाकिस्तानी का नाम भी मिलेगा इसमें? अभी तो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, फाइनेंशियली भी और सियासत के हवाले से भी, तो मुझे तो नहीं लगता। हमारी आवाम को जाहिल रखा गया है। हाँ जी, इसी वजह से तो देखे अब कोरोना में जो जाहिल तो बेटा वो इसलिए रह गए ना कि जब हमारे पास खाने को नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। अगर 25,000 रुपये बच्चा कमाई करता है, 70,000 रुपये घर का खर्चा है, वो वहाँ बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उनको पढ़ाएंगे, किस तरह उसको आगे लेके जाएंगे, जब हमारी जेब ही नहीं गुजारा करेगी तो हम क्या करेंगे। बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात है, कोई घर ऐसा बता दें जो परेशानी आटा लून दाल इनसे नहीं परेशान है, पहले हम लोग इनसे बाहर आ जाए। हम तो अच्छा कमाते हैं, मगर अब देखा जाए जो दूसरे जो तबका जो हमारे से, अब अगर हम नीचे वाले को देखें तो उनका क्या हाल होता है, वो कोई ना आटा ले सकता है ना कोई दाल ले सकता है, जो खाने पीने की अशिया नहीं ले सकता। मुझे तो बड़ी दो दो लोग हैं ना खाने वाले, किसी घर में तो दो हैं, किसी घर में सात लोग हैं, अब तो एक भी कमाए तो वो पूरा नहीं पड़ता, जहाँ पे सात भी कमाए वहाँ पे कहाँ से पड़े, वो भी नहीं पड़ रहा। लाइने लगी हुई है जिसका हिसाब नहीं है और आटा नहीं मिल रहा लोगों को। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, कुछ पाकिस्तानी हमको मिल जाते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत उनको अवेयरनेस है, पता है जिनको फैक्ट्स फिगर के बारे में कि हिंदुस्तान इस समय कहाँ पर जा रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, भारत की पॉलिसी क्या है डेवलपमेंट को लेकर। तो इन सारी बातों को लेकर अगर थोड़े बहुत 1-2% पाकिस्तानी मिलेंगे जो जानकारी रखते हैं, और वो फिर अपना जो रिएक्शन है वो कुछ इसी प्रकार से देते हैं, उनको पता होता है कि पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है भारत के आगे। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों की सोच आज भी जो है ना इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि कई सारी वीडियो में हम देखते हैं पाकिस्तानी किस प्रकार की बातें करते हैं, इनके दिलो दिमाग में किस प्रकार का वो जो कहते हैं ना वो क्या नाम है उसका, गजवाए हिंद का जो भूत है वो सवार रहता है। लेकिन थोड़े बहुत पाकिस्तानी हमको मिल जाते हैं जो समझदारी भरी बातें करते हैं, उनको ये मालूम होता है कि आज के टाइम में ऐसे बिना हाथ पैर वाली बातें करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, अगर आप एजुकेशन की तरफ जाओगे, अगर आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे, तो आप जो है ना इस प्रकार की बिना हाथ पैर वाली बातें करने का उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।